नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव के बाबुल यादव की पुत्री कोमल कुमारी 19 वर्ष की रूप में की गई है। घटना को लेकर देर रात शाम तक प्राथमिक दर्ज नहीं कराई गई थी। वही घटना के बाद जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान ने बताया कि परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, आवेदन देने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि घर के पास चापाकल पर कोमल पानी लेने गई थी, तभी उसे बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दिया। गोली लगने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले गया, जहाँ से उसे म्यांमार रेफर कर दिया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से मृतक के माँ, बहन और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उधर गांव में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण भय के कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ने दबी जुबान से बताया कि गांव में वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा था, जिसमें दो पक्षों के लोग उसे अपने अपने करीबियों को वार्ड सचिव बनाना चाहते थे। चुनाव के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए एक पक्ष के लोग ने गोली फायरिंग कर दी, जो चापाकल के पास खड़ी लड़की को जाकर लग गई। वहीं कुछ लोग घटना को लेकर अन्य कारणों का भी चर्चा कर रहे थे। मृतिका 6 बहन और एक भाई में सबसे बड़ी थी। लगभग 8 वर्ष पूर्व उनकी शादी खड़ी प्रखंड के दादपुर में दीपक यादव से हुई थी। पिता मजदूरी का काम करता है और उसके कंधों पर ही पूरे परिवार का भार है। उसने मजदूरी कर किसी तरह अपनी एक बेटी की शादी कर पाए थे। डीएसपी विधि व्यवस्था गौरव कुमार ने बताया कि महिला को गोली मारकर हत्या करने की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तार की जाएगी। हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। कई तरह के बातें सामने आ रही है। जांच की जा रही है कि हत्या करने का नियत से गोली मारी थी या बिना नियत के गोली महिला को लग गई।